नमस्कार। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दलमा ट्रैकिंग का, तो मैं बहुत एक्साइट था और कुछ बातें बताई जैसा मैं उस समय फील कर रहा था। लेकिन सच बताऊं तो वो ट्रैकिंग स्टार्ट करने का समय था। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं जब ट्रैकिंग को उतर रहा था, जब पहाड़ से उतर रहा था, पहाड़ी इलाकों से, पथरीले रास्तों से, रास्ता सही से बना नहीं था, एक्चुअल पहाड़ है वो और उसमें कुछ पगडंडियाँ बनी हुई है, करीब वो 5 किलोमीटर का रास्ता था, 10 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद 5 किलोमीटर उतरने का रास्ता था। तो मैं अपने विचार बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी कभी ये कहना चाहूँगा कि वीडियो देखकर मुस्कुराते रहिए, कुछ पाते रहिए, कभी कभी सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबाते रहिए। खैर, ये आपकी मर्ज़ी पे है, अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक अपनी बात है जो शायद किसी को ठीक भी लगे, नहीं भी लगे, पर कर रहा हूँ जिम्मेदारी से। कि जब मैं उतर रहा था तो उतरते समय थोड़ा सा खाना वाना के बाद जब उतर रहा था, थोड़ा रेस्ट हुआ, वहाँ पे खेल हुआ, मैं तो कुछ खेल में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, बेसिकली देखने भी नहीं जा पाया, इतना थक गया था। ये मेरी अपनी फिजिकल कमजोरी है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ठीक है, पर मैं हम जैसे और भी बहुत लोग थे जो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे, खासकर जो हम जैसी उम्र के थे। और जब उतरते समय मैंने देखा कुछ लोगों को इतने बेहाल थे कि उनको बड़ी मदद करके उतारना पड़ा, बाद में सुना कि एक आध लोग फिसल भी गए, कुछ मोच आ गई, कुछ चोट आ गई। और जब फिर उसके बाद चाय पीने के बाद बस में बैठे तो बस में भी वेट करना पड़ा, क्योंकि जब तक अंतिम आदमी नहीं आ जाता तब तक तो चल नहीं सकती है। हमने सोचा जल्दी घर पहुंचो तो हम और मेरा एक मित्र सतेंद्र दोनों बगल बगल बैठे थे, दोनों की हालत ख़राब थी, शायद मेरे से ज़्यादा उसकी, क्योंकि उसे आइडिया था, उसने एक डंडा वंडा बना लिया था कि ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रास्ते में कुछ लोग जो तकलीफ़ में थे उन्होंने अपना वो सहारा दे दिया था, जैसे तैसे हम लोग आए नीचे। और जो सुबह का मेरा विचार था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसी पे कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैं उतर के आया, देखिए इसीलिए कहता हूँ ना कि बातों का समय पे बड़ा महत्व होता है, सब चीज़ें सब समय सही नहीं होती हैं। सुबह जब एनर्जी थी, अच्छा था, नाश्ता मिला, गया, एकदम बढ़िया लगा, थोड़ा थका भी था, कोई बात नहीं, लेकिन रेस्ट करने के दौरान जो पैर पकड़ लिया, उसके बाद फिर 15 किलोमीटर वो भी उतरना खड़ी पहाड़ी पे एकदम, जहाँ पैर भी कई बार फिसला, बहुतों का फिसला होगा, क्योंकि कोई क्या कहते हैं स्पेशल ट्रैकर तो है नहीं, सब साल में कभी एक बार जाते हैं। तो कुल मिला के वो जब झेलते हुए हम लोग बस में पहुँचे, और फिर बस भी, अब सोचिए ठंडे में भी बस में गर्मी लग रही थी, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी नरक से निकल आए। मेरा कहना यह है कि सुबह और शाम के फीडबैक में कितना अंतर है, कितना अंतर है, शायद यही जीवन है। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए अच्छी होती हैं, पर कभी कभी वही चीज़ें कुछ लोगों के लिए अति दुरूह हो जाती हैं। तो मेरा यही कहना था कि अब इसलिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता था कि मैंने वो फीडबैक दिया है जो शुरू शुरू का है, तो कोई भी किताब होती है जब शुरू होती है तो वो ख़त्म भी होती है, उसके भाव विचार किताबों के बदलते रहते हैं और अंत में एक कहते हैं कि कंक्लूज़न होता है। तो कंक्लूज़न में मैं यही कह सकता हूँ कि चीज़ अच्छी है और चीज़ बुरी भी है। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अदरवाइज़ जब रिस्क होता है
तो उसके लिए सिर्फ आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। नो बडी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीज़न, बिकॉज इट इज़ योर डिसीज़न। तो मेरा यही कहना है कि सोच समझ के करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे सोचना चाहिए था कि मैं उतना फिट हूँ या नहीं हूँ। हाँ, पर इससे ये ज़रूर हुआ कि मुझे थोड़ा और गंभीर होने का, सोचने का मौका मिल रहा है कि मुझे थोड़ा फिटनेस के लिए और समय निकालना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में अगर आप 15-20 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं तो दैट इज़ अ टफ फॉर फ्यूचर। तो ये है, लेकिन अपना कुछ लोग और भी थे जो हमसे भी उम्र दराज थे, बहुत तकलीफ़ें हुई, और कुछ लोग बहुत फिट थे जो हमसे भी उम्र के थे। तो जाहिर है मेरा यही संदेश है कि अपनी करंट फिटनेस को देखते हुए ये सब करना चाहिए, वरना कभी कभी अति उत्साह आप पे भारी पड़ जाता है। इसी के साथ पता नहीं आपको ठीक लगा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब कभी आप वीडियो देख रहे हैं तो मुस्कुराते रहिए, और कभी कभी लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, दबाते रहिए। धन्यवाद।